नमस्कार, मैं हूँ शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और कल शाम को उन्होंने चारों साहबजादे शहादत का दिहाड़ा था। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चुन लिया गया था और माता गुजरी जी को भी उनके साथ शहीद कर दिया गया था। वो पहले बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जो कि चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। ऐसे लसानी शहादत 21-27 से जब मुगल फौजों ने और पहाड़ी राजे उनके साथ मिल गए थे, आटे की गाय बनाकर और कुरान की कसमें खा के फिर के गुरु जी आप किला छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हमला कर दिया। भारत सरकार वीर बाल दिवस की घोषणा की है तो पूरी जनता, पूरे भारतीय उसको मान पाए। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का भी, उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में इसको मान्यता दी है, पर सिख जागते इसको बाबे मानता है, उनको बाल नहीं मानता, क्योंकि छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बड़े साके किए, क्योंकि उस उम्र में बच्चे को खेलने के लिए वो छोटे खिलौने लेता है, पर जब वजीद खान की कचहरी में हो गए तो उन्होंने एक तरफ मिठाइयां, एक तरफ खिलौने और एक तरफ शस्त्र रखे थे, तो उन्होंने वहां से जाके रिवाल्वर उठाई। इसलिए अगर उनका नाम थोड़ा सा है, अगर उन्होंने ये भी किया तो बहुत अच्छा कि 70 साल बाद किसी सरकार को याद आई। स्कूलों में जागृति आएगी, भारत की जनता में जागृति आएगी कि हमें किस तरीके से देश धर्म के लिए कुर्बान होना है और किस तरीके गुरुओं ने और उनके बाल साहबजादों ने शहादतें दी है, और आज उस दिहाड़े को साथ साथ साहबजादों का दिहाड़ा और गुरु साहब का प्रकाश पर्व दोनों मनाते हुए हम पूरी संगत का और सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरु बोले तो निहाल। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर बलीने तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। H24 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आती है।